लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बॉम्ब डिफ्यूजर में कौन सी वायर काटी थी, रेड या ब्लू? ब्लू। I'm really sorry, Shikha. Shikha, my whole fucking life is a lie. I'm gay. Secrets सबके पास होते हैं कैप्टन विष्णु। कोई जान बचाने के लिए बोलता है तो कोई नौकरी बचाने के लिए। Stop it, यार शिवालिक। आज भी सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारा टेक्स्ट आया यहाँ पर आ गया थिंकिंग शायद तुम्हें मेरी जरूरत है, but no, I was wrong because you are selfish. आप हमारे फोन्स हैक करके हमें मैसेजेस तो कर सकते हैं सर, but you can never hack into my brain. तो जब आप होश में थे तब की बात करते हैं। मेरी कहानी में एक ही हीरो मैं। कैप्टन शर्मा इज अ टफ, मतलब यू फाइनली मेट योर मैच। मैं जानता हूं कि सच क्या। पता है कि सच क्या है। Sir, it's not what you think. It is exactly what I think. No, sir, it is exactly what I think. मैं अभी अभी आपके डियरेस्ट फ्रेंड कैप्टन बिलाल से मिलकर आ रहा हूं। Sir, he's an over emotional. Relax, Captain Rata. कैप्टन बिलाल ने कुछ नहीं कहा। अगर कैप्टन बिलाल ने कुछ नहीं कहा तो फिर आप यहाँ कैसे? खुद ही इनवाइट करते हो फिर खुद ही पूछते हो कि आप यहाँ कैसे? मैं जानता हूँ कैप्टन राठौड़ के वो एनोनिमस मेल आपने ही भेजा था। सही साइबर कैफे, सही टाइम, सही मेल, सही रेसिपी। बस एक गलती कर दी आपने। मफलर भी था बिल्कुल। मफलर? हाँ सब इस रंग का, लाल रंग का। ये ब्राइट पिंक मफलर आपकी बेटी ने गिफ्ट किया होगा आपको। Am I right? फ्रैंकली कैप्टन राठौड़, दो घंटे पहले तक आप मेरे लिए एक्यूज नंबर वन थे, लेकिन आपकी क्राव मगा एक्सरसाइज ने आपको बचा लिया। शिखा की इंजरीज लेफ्ट साइड पर हैं, पर आप लेफ्टी हैं। शिखा को किसी राइट हैंडेड बंदे ने असॉल्ट किया है। आई थिंक अब वक्त आ गया कैप्टन राठौड़ कि आप मुझे बता दें कि उस दिन क्या हुआ था। छत्तीस घंटे बढ़ते रहिए बिना कुछ खाए बिना सोए। रेड ब्लू रेड, उसके ऊपर हमें स्लीपिंग पिल्स दे दिए गए थे। कुछ लोगों को हेलुसिनेशन हो रहे थे और सम जस्ट कुडंट टेक इट। अल्फा वन कम इन। रोहन रोहन बारिश आते किस तरफ से आ रहा है? मूविंग टारगेट है, आगे से हमें चारों तरफ से घेरा गया है। फिलहाल रुक गए। फिलहाल रुक, आगे बढ़े। वी लूजिंग प्रेशियस टाइम मैन। फिलहाल फिलहाल कैप्टन शर्मा, फिलहाल इज अ टफ कुकी। वी विल सर्वाइव दिस, पर अगर हम यहीं रुके रहेंगे ना, वी विल नेवर रीच द एंड पॉइंट। कैप्टन रोहन, टेक द डिफेंसिव पोजीशन। हम बिलाल को हालत में छोड़कर नहीं जा सकते। अगर ये सच में जंग होती फिर भी आप यही कहती? जंग लॉजिक से जीती जाती है कैप्टन शर्मा, इमोशन से नहीं। कैप्टन बलत, अगर आप बिलाल की जगह होते तो क्या आप भी यही कहते? और तू ऐसा से निकल पे तू पोजीशन। बिलाल बिलाल यू ओके? बिलाल आर यू हिट? बिलाल एक बार और, विष्णु साहब ठीक है क्या? नहीं साहब। तेज अब जिस रास्ते से आए वहां से फायरिंग आ रहा है क्या? नहीं साहब, रास्ता साफ है। तेज अब विष्णु साहब को लेके पीछे को बढ़ेंगे। विल गिव यू कवर। कॉपी। जी साहब। शिट।
शर्मा, आर यू सजेस्टिंग कि हम वापस लौट जाएं? अगर आप और रोहन मुझे कवर दो तो मैं और तेज बीच में जाके पेरीमीटर एस्टैब्लिश करते हैं। वी नीड दीस पॉइंट्स कैप्टन शर्मा, वी हैव टू फिनिश दिस एक्सरसाइज, डैम इट। आई विल नॉट रिस्क द लाइव्स ऑफ आवर मेन टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज, मरित। यू फकिंग कावर्ड। साला अपनी कायरता छुपाने के लिए आई विल नॉट रिस्क द लाइव्स ऑफ माय मेन का ड्रामा कर रही हो यहाँ पे? छुपते चूहे हैं कैप्टन शर्मा, मर्द नहीं। मर्द जंग लड़ते हैं, वो भी सिर्फ जीतने के लिए। ओ अमिताभ बच्चन, जिंदा रहेंगे तो जीतेंगे ना जंग। ये सिमुलेशन एक्सरसाइज नहीं है, असली बुलेट्स हैं। हमारे पास एक ही रास्ता है पीछे का। वी हैव टू रिट्रीट। क्या करें, तुम्हारी तरह यहाँ पे चूड़ियां पहन के बैठ जाए हम? हाउ डेयर यू मनित, तुम्हें कोई डाउट है अबाउट हुज इन कमांड हियर? आर यू? यस आई एम। 1950 आर्मी एक्ट सेक्शन 46, मिसकंडक्ट, डिसर्जन, डिसोबीडियंस, यूज ऑफ फोर्स, इसके लिए आपको कोर्ट मार्शल भी किया जा सकता है। तुम्हारी ये फालतू की माचोगिरी और ईगो ट्रिप में पड़ के मैं अपनी स्क्वाड को खतरे में नहीं डालूंगी मरित। और अगर मुझे अपनी स्क्वाड को बचाने के लिए तुम पे गोली चलानी पड़ी, आई विल फायर। वी हैव टू रिट्रीट एंड दैट इज फाइनल। डिड यू अंडरस्टैंड? सर ये वो मोमेंट था जिसका अफसोस मुझे पूरी जिंदगी रहेगा। बिकॉज आई वॉज द ओनली वन हु कुड हैव इंटरवीन्ड, बट आई डिडंट। आई चोज द रॉन्ग साइड। बट बिलीव मी सर, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। Fucking asshole, what were you doing? Shikha, everything's fine. Shikha, you're fine. Shikha, look at me. Shikha, you're fine. Mullet, solid, thank God. What the hell are you doing? Run. Run, baat samajh. Agar ye hosh mein rehti, to hum dono pe disobedience ka charge lag jata. Aur hum kabhi SFD ban paate. Now it will be her word against ours. And no witness. Yahan tak aane ke liye we have given up blood and sweat. We cannot let this go.
उसके बाद फायरिंग रुक गई बट वी हैड लॉस्ट रेडियो कॉन्टैक्ट. शायद भट्टी साहब को भी पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ है. स्लिप हो गई थी. शी हिट हर हेड. राठौड़ मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आपने आते ही कर्नल साठे को ऑफिशियल कंप्लेंट क्यों नहीं की. Because it wasn't so simple, sir. बिलाल ने शिखा के साथ मुझे देखा था, मनित को नहीं. मनित सब ब्लेम मुझ पर डाल देता है. It would have just been his word against mine. And I thought शिखा खुद आके कर्नल साठे से मनित की कंप्लेंट करेगी. पर सर उसने कुछ कहा ही नहीं. तो फिर आपने ये एनोनिमस मेल लिखने के बारे में कब सोचा? आरशी मम्मा को परेशान नहीं कर रहा ना. शाम को मेरी बात मेरी बेटी से हुई सर. जब मैं शिखा को मिलने मिलिट्री हॉस्पिटल गया तो उसकी हालत देखी नहीं गई सर. I couldn't hold it, sir. I had to do something. शिखा के खिलाफ इतना इनजस्टिस होते हुए नहीं देख सकता था सर. सर और शी इज ऑल्सो फेलो ऑफिसर. शी इज ऑल्सो माई कोर्स मेट. बिलाल शिखा और मेरा दोनों का दोस्त था. फिर भी उसने मुझे चुना. चुप रहा. अफसरान, कोर्स की आखिरी दो एक्सरसाइजेस का समय आ गया, यानी कि लीडरशिप बोर्ड में अपनी रैंकिंग्स को बढ़ाने का आखिरी मौका. अब तक के रैंकिंग्स हैं कैप्टन सुरजेवाला नंबर 5, कैप्टन टैंक नंबर 4, कैप्टन रोन नंबर 3, कैप्टन शिखा नंबर 2 और अव्वल नंबर पे हैं कैप्टन मनित. 90 सेकेंड्स में 10 शॉट्स, 5 शॉट्स असॉल्ट राइफल से और 5 शॉट पिस्टल से. आखिरी शॉट में टारगेट मूविंग होगा. दोनों तरफ दो पंखे चलेंगे. हवा की गति होगी 10 मील प्रति घंटा. कैप्टन सुरजेवाला तुसी शुरू करोगे? जरूर साहब. परमिशन हो तो मैं सबसे आखिर में जा सकते हैं. क्यों शर्मा साहब, नंबर 1 पे आने की कोई नई तरकीब है क्या? परमिशन. Thank you.
हेलो कैप्टन शिखा, वो क्राव मागा बाउट के बाद कलाइयाँ दुख रही होंगी, तभी शॉट भी मिस हो गया आपका। इट्स ओके, हैपेंस। क्या है ना कैप्टन मनित, आप क्रॉस कंट्री रनर हैं, यू थिंक वन स्टेप एट अ टाइम। मैं थोड़ा आगे की सोचती हूँ, टू डीप, आप नहीं समझेंगे। यस सर आई नो सर, थैंक यू वेरी मच सर, आई रियली अप्रिशिएट इट, थैंक यू। क्यों है बापे, खुश तो ऐसे हो रहा है जैसे दंगल के लास्ट सीन में आमिर खान हुआ था। तुझे याद है मेरा वो वायुस कोर्स वाला पंगा? हाँ, तूने बताया था तेरी वो कोई एक्स गर्लफ्रेंड का सियापा था, निपट गया कैसे? झूठी कंप्लेंट थी। जुगाड़ू साले, तभी लीडर बोर्ड पर नंबर वन हूँ। नंबर वन सही है। क्लोज शॉट देयर कैप्टन शर्मा। सर मतलब? मतलब आप सही थी। किस बारे में सर? यही कि आपको मेरी कोई जरूरत नहीं, अपनी कहानी की हीरो आप खुद हैं। मैं जानता हूं वो लास्ट शॉट आपने डेलिबरेटली मिस किया था, फाइनल एक्सरसाइज के दौरान रैंक वन और रैंक थ्री की पेयरिंग होगी, आप ये जानती थी, इसलिए आप नंबर दो से नंबर तीन पर आ गए। मैं ऐसा क्यों करूंगी सर? मनित ने जो शुरू किया उसे खत्म करने के लिए। मैं सच जान गया हूं, सर मेरा सच ये है कि मैं स्पेशल फोर्सेस में इसलिए हूं बिकॉज आई डिजर्व टू बी इन द स्पेशल फोर्सेस सर, मेरे जेंडर की वजह से या उसके बावजूद नहीं। भौजी की बेटी हूँ सर, एथलीट हूँ, शूटिंग चैंपियन हूँ, बचपन से एक ही सपना देखा है कि बड़ी होके एक दिन ये ओजी वर्दी पहननी है, और कोई भी फ्यूडल मिसोजिनिस्टिक क्रिमिनल अनऑफिसर लाइक आदमी ना तो मेरा ये सपना मुझसे छीन सकता है सर, और ना मेरा सेंस ऑफ जस्टिस। लेट्स गेट द बास्टर्ड। सर मैंने आपसे पहले भी कहा है, देखा शिखा, सिर्फ अपने बारे में नहीं दूसरों के बारे में भी सोचो। तुम्हारे बाद यहां दूसरी लेडी ऑफिसर्स भी आएंगी, वी मस्ट सेट एन एग्जांपल फॉर देम। और डिफेंस मिनिस्टर, तो डिफेंस मिनिस्टर जिनकी मैं पोस्टर गर्ल हूं सर, आई मे बी हर पोस्टर गर्ल, पर मैं उनके या किसी भी पॉलिटिशियन के हाथ की पपेट नहीं हूं सर। As for all the lady officers, तो मैं उनके लिए भी example set करने की कोशिश कर रही हूँ सर। अब तक Indian Special Forces में लड़कियाँ क्यों induct नहीं हुई? The authorities have their reasons and they are valid. This is my only opportunity to prove them wrong. I deserve to die for this country as much as any man. मेरे आगे आने वाली लेडी ऑफिसर्स यहाँ आएंगे बिकॉज वी विल अर्न आवर राइट टू बी हियर। अब अगर इस टेस्ट में मैं फेल हो गई सर, तो हजारों लड़कियों के लिए एक्टिव कॉम्बैट का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा सर। और ऐसा तुम होने नहीं दो। आई एम हैप्पी दैट यू आर लुकिंग एट द लार्जर पिक्चर, इनफैक्ट आई रिस्पेक्ट यू फॉर दैट, लेकिन फिर भी शिखा, वी मस्ट नेम एंड शेम द बास्टर्ड। आई Not me, sir. 24 साल की सर्विस में पहली बार मैं गलत निकला। इम्तियाज, मुझे उस ऑफिसर का नाम दे दो। He does not deserve the maroon beret. Sometimes to figure out the opponent's game, you have to call all the bets on the table. These are rankings for tomorrow's exercise. Yes. Shikha number 2 से number 3 पर आ गई है, यानी कि final exercise में उसका body भी change हो गया है। God damn it! Captain Manit, I am going to Roger that fellow. लेकिन अभी नहीं सर। मतलब?
इट्स माय ऑनर, माय सेल्फ रिस्पेक्ट, और इसकी हिफाजत करने के लिए मुझे किसी भी आदमी की मदद नहीं चाहिए सर। लेकिन शिखा, मैं कंप्लेन नहीं करूंगी सर, वो अपने आप कन्फेस करेगा। लेकिन शिखा फिर भी, प्लीज गिव मी 24 आवर्स, जस्ट 24 आवर्स प्लीज। This is absurd, Imtiaz. Manit needs to be thrown out right away. लेकिन सर आप ये मेरी रिपोर्ट के बगैर नहीं कर पाएंगे। आप मुझे ये मत सिखाइए कि मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं कर सकता हूं। सिर्फ 24 घंटे सर। शिखा ने मुझसे मांगे हैं और मैं आपसे मांग रहा हूं, प्लीज सर। इन 24 घंटों में आपको मनित का कन्फेशन मिल जाएगा। लेफ्टिनेंट कर्नल इम्तियाज हुसैन, इन 24 घंटों में इफ मनित कमिट्स अनदर एक्ट ऑफ इनजस्टिस, विल यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट एंड टर्निंग द सिचुएशन ऑन इट्स हेड? अगर शिखा ही कोई सीवियर कदम उठाती है तो क्या करेंगे हम लोग? सर शिखा इतनी दूर सिर्फ अपने दम पर आई है। डे वन पर आपको उससे कोई उम्मीद नहीं थी, पर आज सर, आज लास्ट डे पर उसे एक चांस देकर देखिए। उसके बाद आपको आपकी कंप्लेंट और कन्फेशन दोनों मिल जाएंगे, एंड दैट्स माय प्रॉमिस टू यू सर। अब वो टेस्ट केस नहीं है सर, इनफैक्ट शी इज द बेस्ट केस। एज अ कमांडेंट मत सोचिए, थिंक लाइक अ सोल्जर सर, एंड शिखा इज अ सोल्जर हु डिजर्व्स हर जस्टिस। हाँ मम्मी, आखिरी मौका है और तने फर्स्ट आना है, नहीं तो टांगे तोड़ दोगी ना। जानती हूँ मम्मी, फर्स्ट का तो पता नहीं, पर जो शुरू किया वो खत्म जरूर करके आऊंगी। पापा तो बाहर ही गए होंगे ना? हाँ बेटा, छोड़ो। छोटी, हम सब तेरे साथ हैं, देखना हमारी छोटी सबसे अच्छा करेगी। एक्सरसाइज के बाद कॉल करती हूँ मम्मी, ठीक है? अपना ध्यान रखना। बाय मम्मी।